हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी हम रानी तालाब जा रहे हैं जो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, ये रानी तालाब है और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो जींद का मेन टूरिस्ट प्लेस है। फ्रेंड, चलिए फिर अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये वही मंदिर है जो आप देख रहे हैं सामने। इसमें जो रानी थी वो स्नान करने के लिए आती थी एक सुरंग के रास्ते से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मेन एंट्रेंस है। फ्रेंड्स, रानी तालाब के इतिहास की बात करें तो जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने श्री हरि कैलाश मंदिर यानी भूतेश्वर मंदिर का निर्माण अमृतसर के सवर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया था। रघुवीर सिंह ने 1864 से 1880 तक राज किया था। 1887 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी तालाब के निर्माण की सही तिथि किसी किताब में नहीं है। कहा जाता है यहाँ पर राजा ने एक सुरंग भी बनवाई थी जो तालाब को महल के साथ जोड़ती थी। इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि रानी स्नान कर लोगों की नज़रों में न आए, बिना सीधे महल में जा सके। महारानी इस सुरंग के रास्ते स्नान करने व मंदिर में पूजा करने आती थी, इसी कारण इसे बाद में रानी तालाब कहा जाने लगा। जो यहाँ पर सुरंग थी उसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तालाब के बीच में भगवान शिव का मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर और भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि अभी मंदिर का दरवाज़ा तो बंद था और ये शाम में ही खुलेगा और शाम में ही यहाँ पे दर्शन होंगे। बट अभी हम काफ़ी दूर से आए हैं तो शाम तक रुक नहीं सकते, तो अभी हम इसके चारों तरफ घूमेंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसा है। वैसे ये जींद का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये पुराने बस स्टैंड के पास ही है जींद के अंदर। अभी एक नया बस स्टैंड बन गया है लेकिन आपको पुराने वाले बस स्टैंड के पास में जाना है, तो वहीं पर ये रानी तालाब है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं आगे क्या क्या है। ये देखिए, अभी साकेत फुल एंजॉय कर रहा है। गाइज, फिलहाल अभी हम पूरा रानी तालाब घूम चुके हैं। हमें तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे घूम के और एक नया एक्सपीरियंस भी मिला। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं और एक नई वीडियो लेकर फिर मिलते हैं आपको।